right. बस करो आप, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। माँ अरे अभी तो आए हो, खाना खाकर जाओ। नहीं बड़ी माँ, नहीं ऐसा नहीं है बड़ी माँ, मुझे आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है बड़ी माँ, लेकिन तो फिर दीदी उसे जाने दीजिए, शाम को मुझे लेने आ जाना बेटा। हाँ माँ लेकिन चलता हूँ। हाँ पिता, मैं जानती हूँ जनार्दन का तुम्हारे प्रति रवैया अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो इस सदमे से बाहर नहीं आए हैं, वो तुम्हें और बच्चों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दीदी अगर वो मुझे प्यार करते हैं तो उन्होंने मुझे माफ क्यों नहीं किया? उन्हें थोड़ा सा वक्त दे दो, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बस थोड़ा सा वक्त दे दो उन्हें। दीदी दीदी आपको लगता है वो मुझे माफ कर देंगे? हाँ मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम्हें जरूर माफ करेंगे, बस थोड़ा सा धीरज रखो। आपको विश्वास है दीदी? हाँ मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है वो वापस तुम्हारे पास आएंगे, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा नीता, सब ठीक हो जाएगा। अरे पिताजी आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ? क्यों क्या हुआ बेटा? हमें बता, शायद हम तेरी कुछ मदद। अरे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ हुआ इनकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? लेकिन हुआ क्या? अरे ना वो 5 लाख की एडवांस की रकम मां मयूर को देते और ना वो भागता। वो हराम चाचा 5 लाख रुपए लेकर भाग गया। अरे लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसकी नियत में ऐसे खोट आ जाएगा, लेकिन वो तो तुम्हारा जिगरी दोस्त था ना, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर। अरे पिताजी जहाँ पैसों का सवाल होता बड़ बड़ों की नियत डोल जाती है, ये तो अच्छा मकान की पूरी रकम उसके पास नहीं थी, वरना हम तो बर्बाद हो जाते। अब तो ऑफिस में भी ताला लग गया। ऑफिस में ताला लग गया? क्यों? क्योंकि लीज मयूर के नाम से थी और उसने कई महीनों से मकान मालिक को किराया नहीं दिया, मकान मालिक ने मुझे भी निकाल दिया, पैसे भी गए और बिजनेस भी। कोई बात नहीं बेटे, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है ना तो दूसरा खोल देता है, हम कोई दूसरा बिजनेस कर लेंगे। अरे पिताजी बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, अब ये बिजनेस तो रहा नहीं, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? लेकिन मीता को ये सब बताने की जरूरत क्या है? आप भूल रहे हैं इस बिजनेस में जनार्दन के पैसे भी लगे थे। अरे बेटा अब तो जनार्दन भी उस घर से गया, अब तेरी माँ की कैसे हिम्मत हो सकती है? और फिर अब तो तेरे पिताजी है ना तेरी मदद करने को। देख चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए ठंडा मंगवाती हूँ। हाँ अरे बेटे तू घबरा मत, मैं मीता को समझाऊंगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। बेटे का बाप बनने वाला है फिर भी ऐसे घबरा जाता है, चला मैं तेरे लिए चलूंगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसे घबराया नहीं करते। यस सर, ये दाना भाई, दाना भाई, दाना भाई, ये वो है जिनके पास माल है। हेलो दाना भाई, तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? चल जा अब उनके लिए दारू कुछ खाने को लेकर आ, तब तक अब उन इससे बात करते हैं। चल जा। हेलो
दाना भाव चल साला बता किसने भेजा तेरे को साला अपने को फंटू समझता है क्या आप गलत समझ रहे हैं दाना भाई साला पुलिस का कुत्ता है तू अपुन तेरे को देखते ही पहचान गया था बोल कौन है तू नहीं दाना भाई मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ मेरे पास एक कोकीन का पैकेट है मैं उसे बेचना चाहता हूँ बस झूठ बोलता है बताओ वरना नहीं दाना भाई पुलिस पुलिस का कोई झगड़ा नहीं है माँ के साथ साला सच सच बता वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा अपुन का नाम दाना भाई है दाना भाई अपुन मर्डर करके काट भी डालता है दाना भाई मैं आपको कोकीन का पैकेट दिखाता हूँ मैं सिर्फ अपना माल बेचना चाहता हूँ मेरा पुलिस से कोई संबंध नहीं है दाना भाई चल माल दिखा दिखाता हूँ यार तू आदमी बहुत कमाल का है माल तो एकदम खाली सा है बुरा मत मान उनका साला धंधा ही ऐसा है सबसे शक करना पड़ता है चल छोड़ अपुन धंधे की बात करते अपुन तेरे को इस माल का 5 लाख रुपया दे सकते बस मंजूर मंजूर तो ठीक है ये ले अपुन कल पैसा लेकर आता है ठीक है हेलो राधा हेलो कैसी हो तुम ठीक हूँ तुम कैसे हो मैं भी अच्छा हूँ वो उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें अचानक सामने देखकर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ इसलिए तुमसे कुछ बात नहीं कर पाया ठीक से लेकिन राधा तुम यहाँ ये मुंबई कैसे पहुंच गई तुम बस तुम्हारे पृथ्वी मामा की वजह से पृथ्वी मामा हाँ उनके बहकावे में आकर धनराज ने शुक्ला को सब कुछ बता दिया कि पद्मा यही मुंबई शहर में और तुम्हारे घर पर है मैंने धनराज को लाख समझाया लेकिन वो नहीं माना
बस इसी बात पर मेरे और धनराज का झगड़ा हो गया और मैं वो घर छोड़कर चली आई। अब फिलहाल मुंबई में मेरी एक सहेली है बरखा, उसके यहाँ ही रह रही हूँ वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में, और साथ ही अपनी लॉ की डिग्री भी पूरी करना चाहती हूँ। बहुत हो गया, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अब अपनी जिंदगी में खुद जीना चाहती हूँ। हाय राधा जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, देखा हम फिर मिले। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मेरे घर नहीं आई ना? नहीं, एक्चुअली मैं काम में कुछ इस कदर उलझ गई थी कि आना मुश्किल हो गया था। मैं जल्दी आऊंगी तुम्हारे घर। ओके सर, आप लेट हो रहे हैं, चलिए साथ चलते हैं। राधा जी, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड बरखा आने वाली होगी, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। ओके, यू कैन गो। बाय राधा। बाय। धीरज, हाँ? हमें बहुत जल्द कोई फैसला करना चाहिए। देखो पायल, मैं इस वक्त कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ। क्यों? लेकिन हमें कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा ना धीरज, मुझे अंकल की परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन आंटी, आंटी भी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी। शादी? हाँ, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भाग कर शादी कर ले। ओ, हेलो। देखो पायल, मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ, लेकिन कभी तुमने सोचा मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ, तुम्हें खिलाऊंगा क्या? फिलहाल तो मैं अपने ही घर में एक अजनबी हूँ, जिसे किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है। तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? अरे पहले कॉलेज की पढ़ाई तो खत्म होने दो। और हेलो, जिसके पास डिग्री है ना उसे नौकरी मिलती है, तो मुझे कौन नौकरी देगा, मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है। तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। Try and believe in yourself, धीरज। तुम कोशिश तो करके देखो, I'm sure तुम्हें कोई जॉब मिल जाएगी। जानती, तुम्हें मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं आज ही जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, ओके? धीरज, I love you very much। तुम्हें खोने के डर से पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी, शायद अपनी जान ही ना दे दूं। कुछ ऐसा ही महसूस करो। कहाँ गई थी तू? तुमसे मतलब? मतलब है तभी तो पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तू? तुम्हारे सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरा मकान था। मैं पति हूं तेरा, इस घर का मालिक। एक बार नहीं, हजार बार पूछूंगा कहां गई थी तू। तुम कोई नहीं हो मेरे लिए, और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू कहां गई थी। जब जानते हो तो पूछते क्यों हो? उस भगोड़े जनार्दन से मिलने गई थी ना तू? आ गई थी, क्या कर लोगे तुम मेरा? कमीने जनार्दन का बिस्तर गरम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्यों? मुझे क्यों शर्म आएगी? जनार्दन मेरे पति है। अरे कमीनी जलील औरत, बहुत हो चुका रमाकांत, मुझे दोबारा छूने की कोशिश मत करना वरना पछताओगे। ये मत भूलना मेरे दो जवान बेटे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोबारा हाथ उठाने के काबिल भी ना रहो।